आज मैं बनाने जा रही हूँ ताजे नारियल की बहुत ही टेस्टी बर्फी। आप इस बर्फी को जरूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज की मज़ेदार नारियल की बर्फी की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। ताजे नारियल की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कच्चा नारियल लिया है। इसके ऊपर के शेल को निकाल दें, उसके बाद छिलका निकाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। चीनी हम लेंगे 3/4 कप, आप चाहे तो चीनी का इस्तेमाल आधा कप करें। मैंने यहाँ पे डाबर होममेड का कोकोनट मिल्क लिया है। ये बना है 2 फ्रेश मलाईदार नारियल से, जो खाने में इतना परफेक्टली घुल जाता है, उसकी थिकनेस और उसका टेस्ट बढ़ाता है। तो यहाँ पे 1/4 कप ये नारियल का दूध ले लें, आधी छोटी चम्मच हम इलायची का पाउडर ले लेंगे, 1 से 2 बड़े चम्मच घी ले लेंगे और लास्ट में बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को लंबाई शेप में काटा है। अब हम चलते हैं बर्फी बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले ये जो नारियल है इसके ऊपर की स्किन को हम निकाल देंगे। तो नाइफ से इसे कट करके निकाल दें, इससे क्या होगा, बर्फ़ी जो है वो स्मूथ बनेगी। तो ये सारे नारियल को छील लिया है मैंने। अब हम इसे पानी से अच्छे से एक बार धो लेंगे। पानी से धोने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, क्योंकि हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। तो इसके छोटे टुकड़े करेंगे तो ये अच्छे से पाउडर बन जाएगा। ग्राइंड करते वक्त पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बस इसे मिक्सर में डाल दें और उसके बाद मिक्सर को चलाए बंद करें। ऐसा 2-3 बार आपको करना है। इससे क्या होगा, सारा इवेनली क्रश होगा। अगर आप एक ही बार में मिक्सर चलाएंगे तो नीचे का पार्ट जो है वो ज़्यादा पेस्ट बन जाएगा और ऊपर का दरदरा रहेगा। तो यहाँ पे एक बार चलाने के बाद ये देखिए नारियल जो है वो दरदरा हो गया है। तो अब हम इसे एक बार ऐसे मिला देंगे और वापस जार का ढक्कन बंद करके हम वापस मिक्सर को ऐसे चला देंगे। बस बहुत ज़्यादा देर तक ग्राइंड नहीं करें, नहीं तो ये पेस्ट बन जाएगा, हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि नारियल को हमें कैसे ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन करके यहाँ पे एक पैन गरम किया है मैंने, इसमें हम घी डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे लो रखा है। अब हम इसमें ये नारियल डाल देंगे। तो यहाँ पे पूरा नारियल डाल दिया मैंने। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। हमें नारियल का कच्चापन निकाल लेना है, तो इसे ऐसे भून लें। तो हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे थोड़ा सा पक जाने देंगे। तो यहाँ पे इसे पकने देती हूँ। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे नारियल जो है वो अच्छे से भुन गया है। तो हम इसमें चीनी डालेंगे, आधा चीनी हम यहाँ डालेंगे और आधा चीनी बाद में। तो यहाँ पे चीनी डाल दिया मैंने, मिला दें इसे। अब हम चीनी को अच्छे से गल जाने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखे आप। जैसे ही चीनी अच्छे से गल जाएगा इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे हम डाबर होममेड का कोकोनट मिल्क ऐड कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कोकोनट मिल्क काफ़ी थिक और क्रीमी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी है। आप डाबर होममेड कोकोनट मिल्क को खीर, सेवैया, लड्डू जैसे डेजर्ट या मिठाई में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिला देंगे और आधे मिनट के लिए ऐसे मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। जैसे ही दूध जो है वो अच्छे से नारियल में मिल जाएगा हम इसे साइड कर देंगे और चीनी की चाशनी भी सेम पैन में बना लेंगे। आप चाहें तो चाशनी अलग से भी बना सकते हैं, मैं ये शॉर्टकट अपना रही हूँ। तो यहाँ पे बचा हुआ चीनी डाल दिया मैंने, थोड़ा सा पानी डाल दें और उसके बाद चीनी को अच्छे से डिजॉल्व हो जाने दें। गैस का फ्लेम आप यहाँ पे लो मीडियम रखें, नहीं तो ये नारियल जो है वो जलने लगेगा। तो यहाँ पे पैन को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, जहाँ पे फ्लेम है वहाँ पे चीनी की चाशनी को गलने दें। तो यहाँ पे मैं इसे पका लेती हूँ थोड़ा। जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा ये वाला नारियल साथ में इसमें मिला देंगे और इसके बाद हम इसे सुखा लेंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखा है मैंने और इसे 2 से 3 मिनट तक आप इसे लगातार चलाते हुए भून लें। थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दें अगर आपको पसंद है तो, इलायची का पाउडर इसमें ऑप्शनल है। तो इसे ऐसे मिक्स करते रहेंगे और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये जो मिक्सचर है वो खुद ही पैन से अलग होने लगा है। ये आप देख सकते हैं ड्राई हो गया है, मतलब ये पैन से अलग दिख रहा है। तो हम इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, ये देखिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि गैस को बंद कर देंगे और ले चलते हैं इसे सेट करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे एक मिठाई की टिन रखी है मैंने, उसके ऊपर बटर पेपर और उसके ऊपर घी मैंने पहले से लगा के रखा था। तो ये मिक्सचर डाल देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो नॉर्मल थाली या प्लेट में भी इस मिक्सचर को सेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि स्प्रेडर से थोड़ा सा इसके ऊपर की लेयर को स्मूथ कर देंगे। तो थोड़ा सा घी लगा दें ताकि ये चिपके नहीं इसमें। तो हमने यहाँ पे मिक्सचर को सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर पिस्ता और बादाम डाल देंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे लंबाई में कटा हुआ ये पिस्ता और बादाम डाल देती हूँ मैं। ड्राई फ्रूट्स इसमें ऑप्शनल है, मिठाई जो है वो दिखने में अच्छी लगती है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसे हल्का सा प्रेस कर दें और उसके बाद इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तो आप चाहें तो फ्रिज में रखें या फ्रिज के बाहर। तो ये हमारी मिठाई जो है वो सेट हो गई है। तो हम इसे कट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, आप चाहे तो बर्फ़ी के शेप में भी इसे काट सकते हैं। तो ये हमारी ताजे नारियल की बर्फी जो है वो रेडी हो चुकी है और इसमें से एक पीस मैं निकालती हूँ, ये देखिए।
तो ये हमारा सॉफ्ट और जूसी फ्रेश नारियल की बर्फी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसे जरूर ट्राई करें। तो अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इस मिठाई को किसी भी त्यौहार में बनाएं, हर त्यौहार में ये मिठाई अच्छी लगती है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।